बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज मैं बना रहा हूँ ओनियन विद एग्स। एग्स और ओनियन आप लोग अक्सर घरों में बनाकर खाते हैं, बहुत मज़े का और ये डिलीशियस होता है और ये बहुत आसानी और इजी बन जाता है। सुबह के नाश्ते में अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्याज और अंडा ये वैसे भी बहुत मज़ा करता है, ऑमलेट के साथ खाते हैं। और ये हमने बनाना है, हमने दूसरा जो है अंडा और प्याज ऑमलेट के बगैर, सिर्फ ओनियन होगा और स्पाइस होगा। ये मैं ओनियन कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। और इस स्टाइल का जो रेसिपी है ये बहुत मज़े की और डिलीशियस है, यकीनन जो है लोगों को ये पसंद आएगी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लवर हैं। तो अब मैंने पैन में ये बटर डाल दिया है 2 टेबल स्पून, ठीक हो गया। अब बटर को हम कर लेते हैं मेल्ट। बटर मेल्ट हो चुका, अब ओनियन इसमें जाएगा। ओनियन को डाल दिया, अब ओनियन को हमने जो है थोड़ा सा हमने इसको फुल ब्राउन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसमें तो हमने इतना करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, खाने के काबिल हो जाए। फिर आप लोगों को पता है कि अंडा तो फौरी बन जाता है ना। इसको हम थोड़ा सा देखिए, ओनियन अपनी कलर चेंज कर रहा है और मैं इसको पैन की हेल्प से इसको मूव किया मैंने। ये माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक आ रही है ओनियन की। तो इसको आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ बहुत मज़ा करता है, पराठे के साथ खाएं, तो आप राइस के साथ भी खा सकते हैं स्नैक्स में। अब मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया, अब हम दूसरा अंडा भी इसमें जाएगा। 2 अंडे डाल दिए हैं। अंडे कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं बड़े। अब मैं इस अंडों को सब्सक्राइब पे क्लिक करें और घंटी वाले बटन को दबा दें, क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड पुश ऑन बेल आइकॉन। अब मैं इसको स्टिक की हेल्प से मूव कर रहा हूँ, ये देखें। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक आ गई है, बहुत प्यारा मज़े का है। वैसे मैंने अंडे की मुख्तलिफ रेसिपीज लगाई हैं, मैंने मुख्तलिफ मैंने ऑमलेट बनाकर लगाए हैं, तो वो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये देखे अब कितना प्यारा माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, माउथ वाटरिंग लग रहा है ना। इसको मैं पैन की हेल्प से हिला रहा हूँ, इस तरह एक दो ये नीचे नहीं लगेगा और ये इसकी बनाई भी अच्छे तरह से हो जाएगी। और ये पैन को साथ ये चिपकेगा भी नहीं, ये देखें खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ता है जब ये गर्म हो जाता है। अब इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी रेड चिल्ली डाली है और इसमें अब जाएगा पानी डाल दिया है। पानी इसलिए डाल दिया, अब ये इसमें अंडा और ये जीरे अंडा तो जो है इसमें फैल जाएगा, पानी को जज़ब करेगा। और इसमें अब मैंने इसमें डाल दिया स्पाइस और साल्ट भी। अब हल्दी डाल दी है, ये हाफ हाफ मैंने स्पून डाला। अब इसमें ये डाल दिया ब्लैक पेपर, ये देखें स्पाइसी बन गया। अब इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल दिया। जब ये इतनी चीज़ें अब इसमें डालेंगे तो फिर ये मज़े का कैसे नहीं बनेगा, क्या खूबसूरत लुक आई है। तो वाओ वाओ ग्रेट फ्रेग्रेंस स्प्रेड अराउंड। अब ये थिक हो गया है बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा पानी और लगा रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह थोड़ा सा पानी और टच लगाती है इसको। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, फिर मुझे बताएं कि कौन कौन जो है इसके लवर हैं, कौन कौन पसंद करते हैं। तो वैसे अब मैंने इसमें सबज मिर्च डाल दिया, ये 1000 साल पुरानी रेसिपी है, ये चलती हुई आ रही है, ये आम घरों में बनाया जाता है। लेकिन मेरी इसमें चेंजिंग मैंने की है कि मैंने इसमें स्पाइस ज़्यादा डाल दी है।
स्पाइसी कर दिया तो ज़रा थोड़ा डिलीशियस हो जाए, स्पाइस ना भी डालें तब भी सही है। अब ये देखें क्या इसकी लुक आ गई है ना प्यारा सा। अगर राइस के साथ खाना है तो अभी हम इसको उतार लेते हैं, लेकिन मैंने इसको खाना है नान के साथ और साथ में पराठा, नान और पराठा खाऊंगा मैं। तो माशाल्लाह ये देखे सब्ज़ मिर्च भी क्या खूबसूरत नज़र आ रही है, बड़ी लंबी लंबी, वाह क्या खूबसूरत कलर आया है ना मज़े का। अब ये डन हो चुका है, ऑयल छोड़ दी और मैंने इसको डिश आउट कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब राणा शेफ इंटरनेशनल को आप ये देखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।